वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के बारे में। तो आप लोग अगर आरसीबी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्या आरसीबी की टीम मेगा ऑक्शन में जाते हुए अपनी टीम में ट्रेविस हेड को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। देखिए, ट्रेविस हेड, अगर आप लोगों ने आईपीएल 2024 देखा होगा तो जाहिर सी बात है ट्रेविस हेड हो गए, जैक फ्रेजर मैकगर्क हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, विल जैक्स हो गए, कुछ ये ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कमाल की आप लोगों को इस बार देखने को मिली थी। वहाँ पे आप शशांक सिंह का भी नाम जोड़ सकते हो। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कमाल की आई थी, और ये सारे के सारे प्लेयर अगर मेगा ऑक्शन में आ जाते हैं तो ये प्लेयर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर आएंगे इनमें से, जहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, तो देखिए ट्रेविस हेड रिटेन हो जाए हैदराबाद की टीम में, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। क्योंकि यार अगर आप देखोगे आईपीएल के जो भी रूल्स आएंगे, वहाँ पर आप लोग को दो प्लेयर ही रिटेन करने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि तीन प्लेयर कहीं से भी बीसीसीआई एग्री कर जाएगी कि तीन प्लेयर रिटेन कर लीजिए, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। दो प्लेयर रिटेन होंगे जहां पे उनके कैप्टन रहेंगे पैट कमिंस, नंबर टू पे कहीं ना कहीं आप लोगों को हेनरिक क्लासन देखने को मिलेंगे, ये दो प्लेयर रिटेन होंगे। ठीक है, यानी कि ट्रेविस हेड हो जाएंगे रिलीज। और ट्रेविस हेड भाई जिस खतरनाक फॉर्म में चले, मतलब ट्रेविस हेड से खतरनाक अभी टी20 प्लेयर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या ही खतरनाक ओपनिंग कर दे, सामने कितना ही बड़ा बॉलर क्यों ना हो, उसे बैक टू बैक छक्के मारने की काबिलियत ट्रेविस हेड के पास है। बड़े बड़े मैचेस में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करना ट्रेविस हेड की काबिलियत है। चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हो, मतलब आईपीएल में देखो कितनी कमाल की फॉर्म थी भाई, अच्छे अच्छे बॉलर्स के धागे खोल दिए थे उस प्लेयर ने। और अगर आप देखोगे मेगा ऑक्शन में अगर ये प्लेयर आ जाता है तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम एक बार फिर से उन्हें अपनी टीम में शामिल करने को देखेगी। मैं फिर से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आरसीबी की टीम से पहले भी खेल चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। आरसीबी टीम लेकिन प्लेयर्स को रिलीज कर देती है, लेकिन अगर वो गलती सुधार लेते हैं मेगा ऑक्शन में जाते हो, ट्रेविस हेड को फिर से अपनी टीम में एक बार अगर शामिल कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आने वाले 6 से 7 साल वो आरसीबी टीम के लिए ही खेलने वाले हैं, आरसीबी टीम के लिए ओपनिंग करने वाले हैं। आरसीबी टीम को टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी बैट्समैन भी मिल जाएगा जो खतरनाक विराट कोहली के साथ मिलकर पार्टनरशिप करेगा। तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या ट्रेविस हेड आरसीबी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं मेगा ऑक्शन में, आरसीबी टीम उन पर बिड करेगी या फिर नहीं करेगी, करेगी तो कितना प्राइस उनका जा सकता है। मेरे हिसाब से उनका आराम से 7 से 8 करोड़ आराम से प्राइस जाएगा क्योंकि जिस फॉर्म में वो है। आप लोग बताइए आपके हिसाब से ट्रेविस हेड किस टीम में जाएंगे, कमेंट में जरूर बताना।